लॉजिस्टिक्स स्पेस पर फोकस करते हैं और वो भी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स दमदार स्ट्रेंथ के साथ आज ये स्टॉक कारोबार करता दिख रहा है। सिडानी सर, पहले तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर आपका व्यू जानना चाहेंगे और फिर ओवरऑल ये जो स्पेस है, क्योंकि हम देख रहे थे इससे पहले ऑलकागो की बात कर लें या दूसरे और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की बात कर लें, इनका भी अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल नेहा, और काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा भी आने वाले समय में। इसमें से जिसने जिसकी नाम आपने लिया महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशनली काफी स्ट्रॉन्ग है, आने वाले समय में आरओई स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, एक्सपेंशन केपेक्स है, साथ ही साथ टीसीआई एक्सप्रेस, कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये सब कंपनियां भी काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स स्पेस आज जो सेक्टर है, जो इसका साइज है वो काफी छोटा है। जैसे हम बात करते हैं डिफेंस की, तो डिफेंस का साइज काफी छोटा है, सेम वे लॉजिस्टिक्स का भी साइज बहुत छोटा है, बट आने वाले 5 सालों में ये स्पेस काफी बजिंग हो सकता है। तो लॉजिस्टिक्स में अगर स्टॉक्स अगर चुनना चाहे तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन, टीसीआई एक्सप्रेस, ये कुछ नाम है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ एक स्पेस है, पर्टिकुलरली लॉजिस्टिक स्पेस है, वो यहाँ पर अच्छा खासा बज है, तो इसको मिस मत करिएगा। और जो नाम अभी सर ने सुझाए इस पर भी ध्यान रखिएगा, टीसीआई एक्सप्रेस भी है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ऑलकागो लॉजिस्टिक्स, इन सब में भी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। चलिए एक बार श्रीराम फाइनेंस